नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 3 दिवसीय प्रवास के दौरान रविवार को दतिया पहुंचे। उन्होंने 10 लाख की लागत से आदिवासी समुदाय भवन का लोकार्पण किया। आदिवासी समाज के लोगों ने गृह मंत्री का बड़ी फूलमाला से स्वागत किया। गृह मंत्री का प्राचीन सभ्यता के तौर पर आदिवासी समुदाय ने बड़ी सफलता के साथ स्वागत किया। गृह मंत्री खुद कार्यक्रम के दौरान खाद यंत्र ढोल को बजाकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर आदिवासी समाज के लोग सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी समाज के लिए पैसा एक्ट लागू किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया जाएगा। सोचना जरा अंतर मुखी होके अनुसूचित जाति के नीचे में आता दिखाता क्या, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है, अभी बस 2-4 होली और आने वाली है 1 महीने बाद, उसके बाद वो ही वो दिखेंगे घूमते हुए। और आके आपको कह रहे होंगे कि भाजपा वाले संविधान बदल देंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले आरक्षण खत्म कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी वाले हरियाणा एक्ट खत्म कर देंगे। अरे हमारे मन में ये भाव कभी आते ही नहीं, लेकिन ये वो नीतू की भूत का काम करते हैं। हमको जो बदलना है हम अपने घोषणा पत्र में डालते हैं और बदल के दिखाते हैं। हमने घोषणा पत्र में कहा था, हम बचपन से जब से भाजपा के सदस्य बने उस दिन से नारा लगाते थे हम, कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है, लगाते थे ना। और 370 बदलने की बात कही थी माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने। 370 बदली के नहीं बदली, 35 बदला के नहीं बदला, लद्दाख को आजाद किया कि नहीं किया। हम बचपन से नारा लगाते थे, सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वही बनाएंगे। ये कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। हम तो उद्घाटन की तारीख भी हमें सारी दे दी कि 1 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम लला के भव्य और दिव्य मंदिर का उद्घाटन होगा, शिलान्यास नहीं उद्घाटन होगा आने वाली 1 जनवरी को। तो हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, और इसलिए हमने कभी नहीं कहा ये बात को जो ये विपक्षी लोग कहते हैं। आप जिस वर्ग से आते हैं, समुदाय से आते हैं, आपकी जिम्मेदारी समाज को इकट्ठा करने की ज्यादा है। हम आपके बीच में आके आपको प्रेरणा दे सकते हैं, आपको आपकी ताकत का याद दिला सकते हैं।